नौबतपुर में भेड़ मालिकों के ऊपर टूटा पहाड़, करीब 100 की संख्या में भेड़ की हुई मौत। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर में बीती रात को निर्माणाधीन सड़क बिहटा सरमेरा पथ पर चकिया पर गांव के समीप 5 भेड़ वालों ने अपने भेड़ को लेकर पहुंचे। इसी बीच रात करीब 10 बजे के आसपास 4 की संख्या में अज्ञात चोरों ने उनके 4 भेड़ चुरा कर भागने लगे, जिसके पीछे भेड़ वालों ने अपने भेड़ को बचाने के लिए चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते देख चोर ने भेड़ को छोड़कर भाग निकले। भेड़ वालों ने अपने 4 भेड़ को चोरों के चंगुल से छुड़ाकर अपने पुनः स्थान पर पहुंचे, जहां पर उनका पूरा भेड़ बैठा था। तभी उन्होंने देखा कि 4-5 कुत्ते उनकी भेड़ को खदेड़ रहे हैं, जिससे पूरा भेड़ में अफरा तफरी मची गई। वहीं भागने के क्रम में भेड़ अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, जिससे कुछ भेड़ दबकर मर गए और कुछ बन रही सड़क के मिट्टी में दबने से मर गए, तो कुछ गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मर गए। दबने से मरने वाले भेड़ों की संख्या तकरीबन 100 के आसपास बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज इंडिया। हम लोग यहाँ 7-5 आदमी बैठल हुए थे, आओ सब आदमी ऐसम है गया, 4 ऐसम है गया, तो उन्हें चभर चभर किया तो हम देखे कि अरे सब कोई आदमी सुखल धर के जाता है तो उन्हें भर कमर पनिया में वो क्या कर रहा है, तो हम लोग के शक हो गया। देखे कि 4 माल उठाना हुआ है तो आगे मखनिया जी थे होंगे, तो वो पूछे मखनिया जी कि आप लोग कहाँ खोज रहे हैं, तो हम बोले कि देखिए ना मखनिया जी ऐसा ऐसा लगता है कि बात है, तो वो बोले कि ठीक है जब चोर रहेगा ना तो चलिए हम हो चल रहे हैं। वो आगे आगे हो गया मखनिया जी, हम लोग 5 हो गए, तो आगे एगो से चढ़ गया, तो चढ़ गया तो मखनिया जी से बात किया, तो वो कहा बोले कि चलिए ये अपना आदमी है। तो हम लोग कुछ दूर बढ़ गया, एगो आप था माल ले ले, तो वो कहा बोल रहे हैं कि नहीं आम आदमी है, तो इतना वो बोला ना तो हम कहा ना क्या।